देखो 2022 हिंदुस्तान की राजनीति दे विच और खास करके आम आदमी पार्टी लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह असी कहा करते सी कि आम आदमी पार्टी का जिहड़ा नैशनल रास्ता है वह पंजाब तो होके जाता है। असी मार्च दे विच पंजाब सरकार बनाई, कल असी दिल्ली दे विच MCD की सरकार बनाई, तो अज जिहड़े नतीजे आ रहे हैं और गुजरात तो जिस तरीके दी खबर आ रही ने उत्थे ठीक ठाक हाजिरी आम आदमी पार्टी की लग रही है और इन्ने परसेंट वोट उत्थे मिल रही है कि अज आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी जिहड़ी है वह बन जानी हैगी है। सो मैं स्पैशल धन्यवाद करना चाहुंदा गुजरात के लोगों का, पंजाब के लोगों का और दिल्ली के लोगों का जिन्हां ने देश के नक्शे के उत्ते आम आदमी पार्टी को लैके आंदा है। तुहानू याद होएगा 8 दसंबर 2013 जो आम आदमी पार्टी ने पहली बारी दिल्ली दी विधानसभा दी पौड़ियां चढ़िया सी, 28 MLA साडे जिते सी, ते अज भी ठीक 9 सालों पिछों 8 दसंबर 2022 नू जिहड़ा आम आदमी पार्टी नैशनल पार्टी बनन जा रही है। और एक गल तो सिद्ध हो गई है कि हुण हिंदुस्तान के लोग जिहड़े है वंड पाउ राजनीति तो और कूड प्रचार की राजनीति तो तंग आ गए है। अज लोग चाहते हैं कि कम की राजनीति होवे, अज लोग चाहते हैं उन्हां दे मुद्दे उठाए जाण, तो जेकर इन मुद्दों की कोई गल कर सकता है, जो कोई स्कूलों की गल कर सकता है, जो कोई हस्पतालों की गल कर सकता है, जो कोई बिजली की गल कर सकता है, जो कोई नौकरियों की गल कर सकता है, जो कोई इंडिया मेक नंबर 1 की गल कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसकी अगवाई श्री अरविंद केजरीवाल कर रही है। अज यह नैशनल पार्टी बनने का जिहड़ा रुतबा आम आदमी पार्टी हासिल होया, प्रभाव 2024 दे विच भी पएगा, क्योंकि अज तक यह प्रभाव मनिया जाता सी कि BJP का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जेकर BJP नू नैशनल पद्धर के उत्ते कोई टक्कर दे सकता हैगा तो सिर्फ तो सिर्फ श्री अरविंद केजरीवाल ने। और मैनू पूरी उम्मीद आ जिस तरीके नाल गुजरात के लोगों ने साथ दिता, गोवा के लोगों ने साथ दिता, दिल्ली के लोगों ने साथ दिता, पंजाब के लोगों ने साथ दिता, इसका प्रभाव जिहड़ा हैगा 2024 दे विच नैशनल पद्धर ते दिखाई देगा।